राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, सबसे पहले आज के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। और आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सुबह से मतलब कि रात से ही बारिश हो रही है। और लड्डू गोपाल जी आए हैं बालकनी में, तो स्नान करके ये पूजा वगैरह सब हो चुकी थी और नाश्ता ये करेंगे बालकनी में। और जो थोड़े बहुत ये जो फूल आते हैं ना, तो धूप में ही आते हैं ज़्यादा फूल, तो आज बहुत कम आए हुए हैं क्योंकि धूप नहीं है। और ये भी थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। और तुलसा माता भी बैठी हुई हैं साथ में, और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी बालकनी में बैठ के करेंगे नाश्ता। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप है नहीं और हवा भी अच्छी चल रही है और ठंडा हो रहा है। तो आज हमारे चारों बच्चे करेंगे बैठ के यहाँ पर नाश्ता, तो इनके लिए मैं नाश्ता ले आई हूँ। तो अभी लगा देते हैं इनको नाश्ते का भोग। तो सुबह तो मैंने दूध का भोग लगा दिया था इनको, और अब मैं इनको भोग लगा दूंगी। तो ये मैंने बनाए हैं छोले, और इधर पनीर है, और ये है बनाना, और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन। तो ये भोग हम इनके पास रख देंगे सारा। और अभी मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है किसी में, और हमारी लाडो का ये, तो ये हमारी राधिका की रिंग उतर गई थी, तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। अभी बैठी है साथ में, अब एक गिलास में रख देंगे पानी। तो ये पानी भी रख दिया है, और अब रख देते हैं तुलसी पत्र। मैंने तुलसी डाल दी इनके भोग में, और पानी भी रख दिया साथ में। और तुलसी तो काफ़ी सारी रखी हुई है वैसे लड्डू गोपाल जी के पास। तो अब हमारे चारों बच्चे बैठ के करेंगे नाश्ता बालकनी में। तो चलो अभी बच्चों को नाश्ता कर लेने देते हैं, फिर बाद में मिलेंगे ये आपसे। तो भक्तों, हमारे चारों बच्चों का नाश्ता हो चुका है, अब ये नाश्ता उठा लेंगे। तो मैं यहीं पे बैठी थी इनके पास ही, क्योंकि डर लगता है कोई कबूतर आ जाए। तो आपने वीडियो देखी भी होंगी, काफ़ी वीडियो में आपने सुना भी होगा, चील वगैरह भी आ जाती है लड्डू गोपाल जी को उठा लेती है। मेरे पास भी कमेंट आया था बहुत टाइम पहले, एक डेढ़ साल हो गया, उनके लड्डू गोपाल जी को चील ले गई थी। वो लड्डू गोपाल जी को ऊपर टोकरी में घुमाने ले गए थे, और उन्होंने टोकरी जैसे रख दी थी, घूमने लगे होंगे ऐसी छत पे, और इतने में चील आई और उनके लड्डू गोपाल जी को उठा के ले गई। तो मैं वैसे लड्डू गोपाल जी को बालकनी में कभी भी अकेला नहीं बैठती हूँ, मैं बैठती हूँ या फिर अपने बच्चों को किसी को भी यहाँ पे बिठा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब आ जाए चील वगैरह, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो वैसे तो हमारे ना इसमें जाल लगा हुआ है, हमारी बालकनी में इस तरीके से जाल लगा हुआ है, और मैंने देखा है कई बार ना छत वत पे चील आ जाती है। मैंने अभी परसों पल्ले दिन भी देखी थी, सामने किसी की छत पे बैठी हुई थी। तो मैं कभी भी लड्डू गोपाल जी को अकेले बालकनी में या फिर छत पे कभी भी अकेला नहीं बैठाती, साथ में जाती हूँ और साथ में ही बैठती हूँ। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें, कभी भी अकेले लड्डू गोपाल जी को बालकनी में या फिर छत पे ना बिठाएं, साथ में बैठे या किसी को भी बिठाएं। ये प्रसाद उठा लेंगे, और ये भोग बन चुका है, इसको हम स्वयं खुद ग्रहण कर लेते हैं सभी मेंबर। तो अभी हम उठा लेते हैं भोग, और लड्डू गोपाल जी अब बैठ के यहाँ पे अपना एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे। तो अभी मैं फिर करूँगी खाने की तैयारी। तो अभी लड्डू गोपाल जी बालकनी में ही बैठे हैं, और अम्ब्रेला ले लिया इन्होंने, क्योंकि हल्की हल्की ना बौछार आ रही थी, तो मैंने सोचा बाल वाल भीग जाएंगे इनके, तो मैंने इनको अम्ब्रेला उड़ा दिया। चारों बैठ गए, ये देखो अम्ब्रेला हिल भी गया है, ये केश भी कुट कुट सब हट गए। तो अभी मैंने अम्ब्रेला ढक दिया था क्योंकि हल्की हल्की बौछारें आ रही थी। और हमारे लड्डू गोपाल जी भोग भी लगा चुके हैं, मतलब कि दोपहर का खाना खा चुके हैं, और अभी बैठे हुए हैं। और अब लड्डू गोपाल जी को झूला झूलने का मन भी है, क्योंकि सावन चल रहा है, तो थोड़ी देर यहीं पे बैठ के ये झूला भी झूलेंगे, अगर तेज बारिश आई तो ये नहा भी लेंगे। तो अभी तो इनका कोई नहाने का मूड नहीं है, क्योंकि हल्की हल्की बौछार में कोई फ़ायदा नहीं है नहलाने का। तो अभी लड्डू गोपाल जी को हम झूला झूला देंगे, हल्की हल्की बौछारा, ज़्यादा तेज नहीं है, मतलब हवा ठंडी है, मौसम अच्छा है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। तो अभी लड्डू गोपाल जी को हम झूला झूला देंगे, और ये अम्ब्रेला हटा देते हैं इनके पास से। अब तो अभी बारिश बंद हो चुकी है, और मैंने लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर झूला रख दिया दोनों का, इसमें कृष्णा और राधिका बैठ गए हैं, और वो बैठे हैं केशव और केसवी, तो दोनों के झूले आ गए हैं बालकनी में। तो इनको हम झूला झूला देंगे दोनों को, और उसके बाद करेंगे आराम, क्योंकि दो बज चुके हैं, अब इनका आराम का टाइम हो रहा है। तो पहले झूला झूलेंगे, उसके बाद करेंगे आराम। झूला झूलने के बाद इन्हें आराम से नींद भी आ जाएगी, और फिर बच्चे उठेंगे 4 बजे। तो अभी
बालकनी में झूला का ये ले रहे हैं एंजॉय दोनों, तो दोनों को एक साथ हम झूला झूला रहे हैं। और अम्ब्रेला हमने इनकी यहाँ पे टांग दिया, अभी बारिश आए तो एकदम ढक दें। वैसे अभी बारिश आ नहीं रही है, अब लग रहा है शाम को ही आएगी, तो अब लेके चलेंगे बस इनको अंदर, इनको आराम के लिए। तो भक्तों यही था आज का लड्डू गोपाल जी का। बालकनी में इन्होंने एंजॉय किया, नाश्ता किया, क्योंकि आज मौसम ठंडा था तो मैंने सोचा आज इनको बालकनी में ही नाश्ता कराया जाए, इनको बालकनी में ही झूला झुलाया जाए। तो मैं ना इनको दिन में दो बार तो झूला झुलाती ही हूँ सावन में, क्योंकि मैंने तो झूले निकाल के रखे हुए हैं। शाम को झुला देते हैं इनको हम, सात बजे करीब आरती का टाइम हो जाता है, तो ये दो बार तो झूला झूलते ही झूलते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। आज थोड़ा लेट हो गया झूला इनका, नहीं तो ये सुबह में नाश्ता करने के बाद ही झूला झूल लेते हैं, क्योंकि आज ये बालकनी में बैठे थे, इनको बालकनी में झूला झूलना था, अपने झूले इन्हें बालकनी में रखवाने थे। तो भक्तों अब इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। राधे राधे।